भाजपा नेता और गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा मिशन 25 को हासिल करेगी और केंद्र में मोदी सरकार को दोबारा सत्ता हासिल होगी। आपको बता दें कि कर्नल बैंसला दो दिन से अजमेर लोकसभा के क्षेत्र के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने गांव-गांव घूमकर भाजपा के पक्ष में सभी से मतदान करने की अपील की। बैंसला ने कहा कि लोगों में मोदी और भाजपा के प्रति जबरदस्त जोश देखने को मिला, जिससे वह भाजपा की जीत के लिए आश्वस्त हैं। बैंसला ने कहा कि गुर्जर समाज पिछले 14 साल से आरक्षण की मांग को लेकर संघर्षरत है और अब ये संघर्ष जल्द ही समाप्त होने वाला है। लेकिन बीजेपी के टाइम में भी जो कुछ हमको मिला वो बहुत कुछ मिला, बीजेपी ने बहुत कुछ दिया। मिसाल के तौर पर एजुकेशन में बहुत कुछ दिया, नौकरियों में बहुत कुछ दिया, और हमको दो ही मुद्दों का जो रिजर्वेशन है, एजुकेशन एंड जॉब्स विच वी गॉट। बीच में हाई कोर्ट का किस्सा आ गया, वहाँ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, नथिंग कुड हैव बीन डन फॉर दिस। इवन देन